बाकी दूजा तो ठीक है साफ है। बंदे की बहुत माड़ी हालत है जी। माता पिता की डेथ हो गई, अगे पिछे कोई नहीं है, एक दादी है बुजुर्ग, होर कोई नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं, दिहाड़ी दप्पा करता ही अपना टाइम सारदा ही। हूँ 15-20 दिन तो इस हालत के बच्चे जी। जसविंदर सिंह जेदे कि मम्मी डैडी नहीं ने ते दादी ने सांभिया इनू, तो जो ठीक सीगा ते दिहाड़ी तप्पे ना घर बार चलाउंदा पिया सीगा, ते हुण ना आमदन ना होण करके इलाज नहीं हो रहा। पिंड सहयोग नाल इक इनू कमरा बना के दिता गया वा, ते हुण इलाज नहीं हो रहा। ते एक रिक्वेस्ट है जी, कृपा है कि इहदा इलाज कीता जावे। ते इहनू दौरा काफी पै रहा वा, 5-5 मिंट बाद दौरा पै रहा जी। हां जी, फिर हुण तां मेरी बस बेवसा हो गई है, हुण बथेरा इलाज कराउण दे जिन्ने जोगा हैगा, कोई पैसा धेला है नहीं जिहदे सिर ते बैठना। बंदा मेरा भी है नहीं है, ते इहदा प्यो भी है नहीं है, ना मां ही है, मैं आप ही सांभदी आप ही करदी हां। कोई अठां दसां सालां दा ही जदों इहनू दौरा शुरू हो गया, सट लगी ही खेलते खेलते उदों दा इहनू दौरा पई जांदा। इलाज भी बथेरा कराया, हुण अगों इहदी किस्मत है बेचारे दी। हुण 3 साल ज़्यादा हो गए चंडीगढ़ दी दवाई भी खाँदे रहे, अंबरसर दाखिल कराया ही, चंडीगढ़ भेज दिता उन्होंने, उत्थों ही दवाई खाँदे रहे। हुण मेरे विवाह हो गई, नहीं पुज्जिया गया, तो घर ही इत्थे दवाइयां लै लिया। हुण दवाई बंद हो गई ही, तो हुण इस करके इहदा दौरा फिर शुरू हो गया। मैनूं मेरा भी बंदा नहीं है सिर ते जिन्हें इलाज करना, उन्होंने डेथ हो गई है, तो करके मैनू सामना पैंदा। गुड्डी सी पहला ब्याहती है, ये मेरा बेचारा माड़ा मोटा काम करता ही, तो दिहाड़ी चाहे पक्की ला ही नहीं सकता कितनी भी, तो हुण 2 महीने हो गए इदा ही दौरा पैंदे नूं। तो असी पहला बटाले खड़िया, उन्होंने फिर देखिया 2 दिन रखिया, फिर कहिंदे भी तुसीं साडे कोल नहीं इहदा इलाज, हुण सानूं इत्थे 10 पे असीं इत्थे नूं आ गए। तो जो संगत बाबे वाहिगुरु करेगा, मदद करो कोई सरकार, तो चलो इहदा इलाज किया जाए। हाँ, भैन भरा पिंड दे है, मुंडे 2-4 आए हैं बेचारे, इन्होंने मदद की है, कहिंदे इत्थे ले जाने तो इत्थे इलाज कराने, तो संगत दे इस नाल ही है। किवें आ पुत, की होया तैनूं, किन्ना पढ़िया पुत तू? 6 पढ़े, ठीक है पुत्र। की ना जसविंदर सिंह, तेरा जन्म कि सन च होया सी पता? 2001 च होया सी। तुहाडे डैडी का की नाम? डैडी का। और मम्मी का की नाम है? ते हुण कित्थे मम्मी है? कित्थे आ नानकी तेरे? की काम करता है पुत? ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਫਿਰ ਹਟਕਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਪੀ, ਉਹ ਗੋਪੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਅੱਜ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਹੈਂ, ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸੀ ਇਹ? ਜੋ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਖੜਾ ਖੜਾ? ਹਾਂਜੀ।
घरे कौन सामभदा तेन फिर मतलब 19 तरीक नूं असीं बटाले लै के गए सी नवतेज हॉस्पिटल उत्थे दो एक रात एक दिन उन्होंने रखा अगली शाम सानूं उन्होंने भेजता जी उहदे नाल ने दवाई जिहड़ी दित्ती उहदे नाल कुछ फर्क पिया नहीं ते पंज दिन मतलब जिदां शरीर अकड़िया हुंदा इसे कंडीशन च पिया सीगा जदों मतलब मैं इहनां दे घर जा के देखिया ते मेरा भी मन बड़ा दुखी होया फिर मैं कहा तुसीं मतलब नहीं तुहाडा हानी परमानी नहीं मेरा मतलब मेरे तों काफ़ी शोक छोटा मतलब के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जसविंदर सिंह गोपी है जी, इस टाइम भी इनू देखो दौरा पै रहा वा, इस तरह ही इनू सारा दिन थोड़े थोड़े टाइम बाद दौरे पई जाते रहते हैं। तो जिदा वीर हुणी दस के हटे पहला तो बाली माड़ी हालत सी, चार पाँच दिन तो इदा शरीर यदा आकड़ा ही पै रहा जिमें दौरा लगातार ही पई गया। तो देखो किनिया रगड़ा रुगड़ा सट्टा बजिया डिग पा खड़ा खड़ा ही आज हत्थां ते भी है ना मूँह ते भी आ सिर च भी आ। तो अचानक ही एकदम दौरा पैंदा खड़ा खड़ा ही सीधा ही डिग पैंदा पिछे नूं जां मूहरे नूं जां है ना। तो सारी मजबूरी भी तुसीं सुनी है भी दादी कल्ली आ संभालण वाली, दादी ने पोता पोती रख ले सी अपने कोल पुत की मौत तो बाद। इन्हां दी मम्मी ने अपनी जीवन दी जिहड़ी अपनी जिंदगी च अगे वध गए उह अगे विआह करा लिया है ना। तो अच्छा वो भी मैंटली अपसैट ने, अच्छा वो भैन मैंटली अपसैट सीगे ते वो इन्हां दे डैडी दी डैथ तो बाद अपने पेके पिंड चले गए। तो ये दादी ने अपने कोले रख लिया सीगा पोता ते पोती। हुण पोती नूं 12 पढ़ाया पिंड वालिआं ने सहयोग करके उहदा विआह करता, हुण चलो आपदे घरे वसदी है भैन। तो यह वीर जदों हुण 19 साल की उम्र हो गई करीब इहदी 2001 दे विच इहदा जन्म होया, तां हुण इहनूं दौरे ज़्यादा पैन लग गए। दौरे तो पैंदे इहनूं 7-8 साल की उम्र तो ही, पर उदों थोड़े सीगे 6 क्लास तक करे पढ़िया भी आ। उस तो बाद फिर दिहाड़ी करन लग गया मिस्त्री दे नाल, क्योंकि इह दिहाड़ी जांदा सी कमाउंदा सी 4 पैसे घरे मझ रखी होई आ ते रल मिल के दादी पोता घर चलाई जांदे सीगे ते अपनी छोटी भैण नूं पढ़ाउंदा रहा गोपी। ब्याह करता हुण पता नहीं इहदी उम्र दे मुताबक जां की कारण होया भी हुण दौरे बहुत ज़्यादा पैन लग गया। 4-5 दिन तां लगातार ही दौरे पैंदे रहे। तां फिर पिंड दे इह नौजवान वीर आ, गालोवाल पिंड आ, जिला हैगा गुरदासपुर, हुशियारपुर जिला पैंदा, तहसील दसूहा, दसूहे दे नेड़े पैंदा पिंड है जी, दसूहे दे नेड़े पैंदा जी पिंड इह गालोवाल। धन्नवाद करदे आं वीरे तुहाडा की नाम? कुलविंदर सिंह, जतिंदर सिंह, मनजीत सिंह, कुलविंदर सिंह ते जतिंदर सिंह, ये तीन नौजवान पिंडों पहले इन्हां ने नवतेज सिंह गग्गू दे हॉस्पिटल दे विच भी इहनूं वीर नूं दाखिल कराया, उत्थे लैके गए और इन्हां थोड़ा फर्क पै गया, क्योंकि पहलां तां बाली माड़ी हालत सी। वीर कहिंदा सी वी बाले ज़्यादा दौरे पैंदे सी, फिर उन्होंने एक दिन रखिया उत्ते एडमिट किया, दवाइया दित्तियां, दवाइयां देण तों बाद थोड़ा सैट हो गया, फिर छुट्टी करती उन्होंने। तो हुण मैडिसिन उह चलदी सीगी ते अज इह साडे कोले इत्थे साडे सुपनियां दे घर पिंड हसनपुर पहुंचे आ। साडे अज कैंप लग्गिया होया सीगा जी 26 अक्तूबर 2021। तो अज वीर नूं जदों असीं डॉक्टर नूं चैकअप करवाया तां डॉक्टर साहब ने दस्सिया भी इन्हां नूं एडमिशन की लोड़ आ, एडमिट करन की लोड़ आ। तां हुण असीं इहनूं दीपक होस्पिटल दे विच डॉक्टर राघव दे अंडर एडमिट करवाउण लगे हाँ। ते कोले इन्हां दे दादी जी रहणगे, तुसी सारे अरदास करियो जसविंदर सिंह गोपी ठीक होकर अपना एक चंगा जीवन बतीत करे, अपनी दादी का सहारा बने, क्योंकि छोटे होंदे ही इहदे फादर साहब की डैथ हो गई। गड्डी चलाउंदा सी भाई ड्राइवर सीगा ते एक्सीडेंट हो गया सीगा, डैथ तो बाद इह निक्के निक्के सीगे दादी ने पालिया। हुण समां आ भी गोपी अपनी दादी की सेवा संभाल करे, बुढ़े बारे उहदा सहारा बने ते तुहाडी
दुआवां दी तुहाडियां दी ते तुहाडियां अरदासां दी लोड़ है जी। तो इन्हां नौजवानों नूं फिर तो धन्नवाद करदे आं जिन्हां ने अपनी जिम्मेवारी समझी उपराला किया गड्डी किराए ते करके इत्थे लै के आए ने। दूसरा इस तो पहलां भी जिवें तुहानूं दस्सिया नवतेज वीर दे होस्पिटल भी लैके गए जिद्दण तो इन्हां नूं पता लग्गिया ये उपराले कर रहे ने किसी भी तरीके इस वीर दी जिंदगी नूं थोड़ा ठीक किया जाए बचाया जा सके। दौरे जो पेंदे एकदम हत्थां पैरां च आ जांदा सट्टां लगदियां डग पैंदा। थोनू किवें पता लग्गिया वीर थोड़ा घर नेड़े सी जां किवें पता लग्गिया? हां जी साडा घर नेड़े आ जी। ओके थोनू किसे ने दस्सिया? 15-10 घरां दी विच ते साडा घर। ओके की कहना गोपी? दौरा बड़ा पैंदा ज्यादा पैंदे दौरे? कोई ना गोपी ठीक हो जाना तू राती फिर पै गए। कोई गल नहीं तू टेंशन ना ले ठीक हो के बेबे की सेवा कर ठीक है घबराना नहीं गा तेरा इलाज करावे असी ठीक है छोटे भीरे। इलाज तो वैसे उन्हें करवाना बाबे ने ते असी बेत बचोले बन जाएंगे। चलो चंगी गल है भरावा। डॉक्टर साहब इन्हां नूं एडमिट करना पैना की लिखा डॉक्टर साहब ने? इन्हां नूं कंटीन्यूअसली सीज़र आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी 5-5 मिनट 10-10 मिनट बाद मेडिसिन सारे चल रहे हैं कंट्रोल च नहीं है। हेरिडिटी है इन्हां नूं प्रॉब्लम? हाँ तो सर कह रहे एक बार आप एडमिट करा के नाले सट्टा काफ़ी लगी हुई ने फिर वो भी देख रहे हैं कोई ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है सर बस ठीक है जी। फिर इन्होंने फिर इतों लिखता डॉक्टर साहब ने इन्होंने? उन्हों की मम्मी भी मैंटली अपसैट आ वो भी घर इदा ही बनी हुई है। देखना पैना बीमारी ज़्यादा तेज है। हाँ जी टाइम डॉक्टर मरीज के कंपाइल कर रहे हैं क्योंकि जी होर भी कितनों चलिया इलाज काफ़ी तेज़ दवाइया गई हुई हैं। हाँ बहुत तेज है तो वो सैटिंग करनी पैनी है क्योंकि तेज हैगी दौरा उत्तर पाऊगा हजे। ठीक है जी मैं हूँ ही भेज दिना मैं एडमिट कर उ कॉल कर ठीक है कर दो कॉल ठीक है सर।